दिल्ली में शाहीनबाग प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिल्ली पुलिस को और केंद्र सरकार को नोटिस भेज दिया गया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोगों को विरोध करने का, प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन रास्ते को रोककर और अन्य आम लोगों को परेशान करने का अधिकार उन्हें नहीं है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केंद्र सरकार और साथ ही दिल्ली पुलिस को भी इस मामले की नोटिस जारी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के शाहीन बाग में पिछले 2 महीनों से जो धरना प्रदर्शन जारी है उस पर एतराज़ व्यक्त किया है। आपको बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस भी भेजा है। मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी। आपको बता दें कि इस मामले से जुड़ी हुई 2 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि कोई भी प्रदर्शन इतना लंबा नहीं चल सकता है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई भी प्रदर्शन लोगों को इतना लंबे समय तक परेशान नहीं कर सकता है। जस्टिस संजय किशन कौल के और के एम जोसेफ की बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रदर्शन का अधिकार आम लोगों को है, लेकिन धरना सार्वजनिक स्थान पर नहीं होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने शाहीनबाग से प्रदर्शनकारियों को हटाने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर केंद्र, दिल्ली सरकार और पुलिस को नोटिस जारी किए हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह दूसरे पक्ष को सुने बगैर शाहीनबाग के प्रदर्शनकारियों को कोई निर्देश नहीं देगा। 17 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शाहीनबाग में प्रदर्शनकारी सड़क बंद नहीं कर सकते हैं और अन्य के लिए असुविधा भी पैदा नहीं कर सकते हैं। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि लोगों को विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन उन्हें निर्दिष्ट क्षेत्र में ही प्रदर्शन करना होगा। न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पीठ ने इस बारे में कहा है कि इस कानून है और लोगों की उसके खिलाफ शिकायत है, मामला अदालत में लंबित है, इसके बावजूद कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें प्रदर्शन का अधिकार है। पीठ ने कहा कि आप सड़कों को अवरुद्ध नहीं कर सकते, ऐसे क्षेत्र में अनिश्चित समय तक प्रदर्शन नहीं हो सकता है। अगर आप प्रदर्शन करना चाहते हैं तो यह प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थान पर ही यह प्रदर्शन होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि शाहीनबाग में लंबे समय से जो प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन यह दूसरे के लिए असुविधा नहीं पैदा कर सकता। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में इससे पहले कहा था कि वह शाहीनबाग में प्रदर्शनों के खिलाफ याचिकाओं की सुनवाई 10 फरवरी को करेगा, क्योंकि वह मामले की शुक्रवार को सुनवाई करके दिल्ली विधानसभा चुनाव को प्रभावित नहीं करना चाहता था। राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार को मतदान होगा। न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पीठ ने कहा था कि हम इस बात को समझते हैं कि वहाँ समस्या है और हमें देखना होगा कि इसे कैसे सुलझाया जाए। हम सोमवार को इस पर सुनवाई करेंगे, तब हम बेहतर स्थिति में होंगे। जब याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश वकील ने कहा था कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 8 फरवरी को मतदान होना है, तो पीठ ने कहा हम इसीलिए ही तो कह रहे हैं कि सोमवार को आइए, हमें उसे प्रभावित क्यों करना चाहिए। पीठ ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वह सोमवार को इस बात पर बहस करने के लिए तैयार होकर आए कि इस मामले को दिल्ली उच्च न्यायालय को वापस क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए। आपको बता दें कि शाहीन बाग में जो महिलाएँ प्रदर्शन कर रही है, इस मामले में वहाँ से प्रदर्शनकारियों को हटाने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर केंद्र, दिल्ली सरकार और पुलिस को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया है।